पवन, अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग के साथ साथ लखनऊ कैंट से वो लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी ये तो बात की बात है, लेकिन एक बड़ा मौका बीजेपी को जरूर मिल चुका है यहाँ पर सपा पर उंगली उठाने के लिए चुनाव से ठीक पहले। हाँ बिल्कुल, जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अब अपर्णा यादव के माध्यम से आधी आबादी को लेकर के और अखिलेश यादव की कार्यशैली को लेकर के और 5 सालों में अखिलेश। चले मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ पवन, लेकिन कुछ तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, अपने दर्शकों को हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और हम तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बता दें अपर्णा यादव जो हैं वो बीजेपी में ऑफिशियली शामिल हो चुकी हैं, चूंकि योगी आदित्यनाथ को भी यहाँ पर मौजूद रहना था, ऐसी अटकलें भी थी पहले, लेकिन अभी मुलाकात जाहिर तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ से भी अपर्णा की होगी और ये मुलाकात ज्वाइनिंग के ठीक बाद की होगी। उसकी तस्वीरें हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे, अब से कुछ देर बाद वो तस्वीरें भी हम आपको पहुंचाएंगे, तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश भी हम आप तक कर रहे थे, लेकिन अभी छोटी बहू की ये घर से विदाई हुई है, यानी कि सपा से विदाई हुई, तो अब बीजेपी में वो शामिल हो चुकी है, बीजेपी की हो चुकी है अपर्णा यादव, और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे चिंतन में सबसे पहले राष्ट्र है, मैं हमेशा से बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हूं और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर ही वो अब बीजेपी का दामन जो है वो थाम चुकी है, क्योंकि कल से ये चर्चाएं लगातार चल रही थी कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगी अपर्णा यादव और आज ऑफिशियली इस पर मोहर लग चुकी है, ऑफिशियली बीजेपी की अपर्णा यादव हो चुकी है। पवन हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, पवन हम लगातार चर्चा कर रहे थे, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे कि अपर्णा यादव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पे हमलावर होगी और वो दिखाई दे रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से अखिलेश यादव पे हमला बोला कि घर के परिवार को संतुष्ट नहीं रख सकते, उनके घर के सदस्य को वो जो है वो उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आने का काम कर रही है, तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव नाकाम है और अखिलेश यादव जो बातें कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो समझ से परे है और वही काम अब भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान करती हुई दिखाई देगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपर्णा यादव क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलती हैं, क्या वो चुनाव प्रचार चाहे वर्चुअल हो या मीडिया के सामने आकर के इन बातों को रखती है कि क्या नाराजगी थी, क्या केवल कैंट सीट ही है या वास्तव में राष्ट्र धर्म से जुड़ करके वो राष्ट्र के प्रति काम करना चाहती हैं। पिछले 5 सालों तक वो लगातार योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना करती रही, जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तो अखिलेश यादव। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही पवन, क्या खुलकर अब अपर्णा यादव अपनी बात जो है वो कह पाएंगी जब बीजेपी में शामिल हो चुकी है ऑफिशियली, उनकी तरफ से उनका वर्डिक्ट आना भी अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका पवन, लेकिन अब तस्वीरें जरा हम आपको दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष, आप इस वक्त देख सकते हैं ये खास तस्वीरें हैं, मुलाकात यहां पर हुई है बीजेपी की ज्वाइनिंग के बाद, हालांकि इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा को भी शामिल होना था, लेकिन अब ये तस्वीरें आप जरा देखिएगा, सपा की यानी कि मुलायम सिंह यादव की बहू अब बीजेपी की हो चली है।